उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पिछले 14 दिनों से जद्दोजहद लगातार जारी है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में अस्थायी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाइप में फंसी ऑगर मशीन को जल्द ही काट के निकाल लिया जाएगा, जिसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर भी मंगाया गया है। सीएम धामी ने खुद कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से अंदर फंसे लोगों से बातचीत की है और कहा कि अंदर फंसे सभी श्रमिक स्वस्थ है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समन्वय बनाते हुए सभी संभव विकल्पों पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू कार्य में तकनीकी और संसाधनों की कोई कमी नहीं है और सरकार की प्राथमिकता सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गर्डर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट काट के एक मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैन्युअली उस पर आगे बढ़ेंगे और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं, वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है।